एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास यूँ होती है जी, 3x-5 आप यूँ भी लिख सकते हैं बराबर +-4 कर दें, ठीक है जी। आपकी मर्जी, इधर प्लस माइनस लगाएं इधर लगाएं। अब आपके पास ये देखिए दो है जी, 3x-5 = +4, 3x-5 = -4। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 3x 4 + 5 आ गया, तो 3x = 9 आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करने, तो 9/3, तो 3 times क्या आ गया हमारे पास 9, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे चेक करें, 3x - 4 ये +5 हो गया, 3x ये +1 रह जाएगा। अब x की वैल्यू के लिए 1/3 करेंगे, ये हमारे पास x की दो वैल्यू है। लेकिन अभी हम सोल्यूशन सेट में नहीं ले सकते, पहले हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे जी, ठीक है, वेरीफाई हम करेंगे, ठीक है जी। तो वेरीफाई में क्या करेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन लिखेंगे, हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू का था 3x-5 = 4 है। अच्छा, इसमें अब इफ एक्स इज इक्वल क्या हो 3 के, तो देखें ये 3, ये 3 आ गया, -5 एब्सोल्यूट वैल्यू में आ गया, तो 9-5 देखें यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया। देखिए 4 में से एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमारे पास है, उसकी प्रॉपर्टीज में आप पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम दूसरा, इफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 हो, उसके लिए चेक करते हैं, इज इक्वल 4 है, तो हम उसी तरह लिखेंगे, 3x की वैल्यू 1/3 आ गई, -5 4, 3 से कट गया, 1-5, तो देखें ये -4 आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज अगर अंदर -4 हो तब ये क्या आती है, +4, यानी कि ये मुतलक कीमत होती है। देखिए दोनों हमारे पास इक्वल है, यानी कि ये हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट। अब हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट, यानी कि हल सेट हमारे कौन से हैं, ये दोनों हैं। x की वैल्यू इस टेढ़ी ब्रैकेट में लिखेंगे 3 और 1/3, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 1/2 है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है x की, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारे पास एलसीएम 2 आ रहा है। देखिए 2 से 2 कट गया, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बचेगी 3x + 2 = 30। अब देखेंगे ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू को आप दो सूरतों में लिख सकते हैं, यानी कि कौन सी, अब ये इसकी आप ब्रैकेट ना लगाएं, ठीक है, आप इसको लिख दें बराबर +-30 कर दें। अब देखें हम लिखेंगे 3x + 2 = +30, 3x + 2 - 30 बराबर, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू दो इस सूरतों में आ जाएगी। देखें 3x है, 30 - 2, 3x हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखें 28/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, 3x है -30 - 2, 3x है तो -32, तो x की वैल्यू आ जाएगी -32/3। लेकिन ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट नहीं है, सॉल्यूशन सेट के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे जी, चेक दैट इफ, यहाँ पे लिख दें इफ एक्स इज इक्वल 28/3 हो। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वही लिखेंगे, उसी में ही हमने चेक करना होगा, 1/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल 15 है, लिखेंगे 1/2, 3x की वैल्यू क्या हमारे पास 28/3 है, +2 = 15, ये 3 से 3 कट हो गया, तो ये 28 + 2, तो 1/2, ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 28 + 2। अब देखें ये कट जाता है ना 15, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 15 की वो भी 15 ही आती है, ये देखें एक हो गया हमारे पास, चेक दैट। अब इफ दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास x की, इफ x इज इक्वल टू -32/3, अब इसके लिए चेक करके देखते हैं x के लिए, तो हम क्वेश्चन लिखेंगे 1/2, 3x + 2 = 15, तो 1/2
थ्री एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 32/3 प्लस 2 = 15 1/2। देखिए ये 3 से 3 कट हो गया, मनफी 32 प्लस का 2 रह जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाएगा। अच्छा देखें अब ये हमारे पास आ रहा है जी मनफी का 30। तो जब इसको हम मुख्तसर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15। अब ये उसकी खसूसियात है मुतलक कीमत की कि अगर माइनस का 15 है या माइनस का 15 तो हमारे पास प्लस का आ जाएगा बार, या प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है इससे। ये देखिए अब हम ये लिख सकते हैं ये हमारे पास सोलूशन सेट कौन सा है जी, ये दोनों सोलूशन सेट है दोनों, मनफी 32/3 भी और 28/3 भी। सोलूशन सेट क्या होगा हमारे पास, प्लस माइनस 2x + 5 = 11। आप यूं भी लिख सकते हैं 2x + 5 = ± 11। ठीक है, इस तरह सवाल आसान हो जाता है और स्टूडेंट भूलने का खतरा भी नहीं रहता। फिर 2x + 5 = + 11 और 2x + 5 = - 11। ठीक है जी, अब ये देखें हमारे पास x की वैल्यू कैसे आएगी, 2x यहाँ पे 11 - 5, तो 2x = ये 11 - 5 हमारे पास 6 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आती है 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 2x - 11 - 5, तो 2x = ये क्या आ जाएगा माइनस का 16 आएगा। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस का 16/2 तो 2 2 8 और कितना बन जाएंगे 16, तुम्हारे पास माइनस का 8 आएगा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास है सॉल्यूशन सेट तो हम इसको नहीं लिख सकते, हम इसके पहले वेरिफिकेशन करेंगे या चेक दैट लिख दें। तो वेरिफिकेशन में देखिए हमारे पास वही जो इक्वेशन होगी इन एब्सोल्यूट वैल्यू वही लिखेंगे, हमारे पास ये 11 आ गया। अब इफ x इज इक्वल टू 3, हमारे पास x पहले 3 था तो यहाँ पे लिखें 2 × 3 + 5, हाँ जी तो 6 आ गया प्लस 5 11, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये 11 आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज में है, ये हमारे पास करेक्ट साबित हो रहा है जो हमारे पास डिमांड के मुताबिक। अब ये करेंगे जी हमारे पास इफ एक्स इज इक्वल टू -8 हो, दूसरा क्या था -8, इसको चेक करते हैं जी। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, देखिए 2x + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू 11, तो हमारे पास 2 × -8 + 5 इज इक्वल टू इलेवन। ठीक है जी, तो देखिए माइनस का 16 + 5 = 11, तो ये माइनस का 11 बच जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये माइनस हमारे पास हमेशा प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये हमारे पास करेक्ट साबित हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट, अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 3 and - 8, ये हमारे पास आंसर, ये x + 2 ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू इनको एक ही तरफ ले हैं, ये माइनस का यहाँ से खत्म होगा ना, यहाँ पे प्लस की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, तो ये 5 है ये +3 हो जाएगा। तो ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 2 एब्सोल्यूट वैल्यू और सेम एक जैसी है, तो हम इसको लिख देंगे 2, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे एक काउंट कर यहाँ भी एक काउंट करें तो आपके 1 + 1 ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है बोर्ड के हवाले से, इसमें थोड़ा गौर करें। एब्सोल्यूट वैल्यू हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू एक जैसी थी हमने एक तरफ ले एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, हमने उनको जब एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 2 थी हम यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ पे ख़त्म करना है, सॉरी इसको एक तरफ करना है, तो हम लिखेंगे x + 2 8/2, ये 4 आ गया, x + 2 = 4। अच्छा जब हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई यूँ, अब हमारे पास की उसी तरह हल सेट की मुमकिन 2 सूरतें होंगी, x + 2 = ± 4, तो उसका अब इसको जब फाइंड करेंगे x की वैल्यू तो हम लिखेंगे x + 2 = 4 एंड x + 2 = −4। यहाँ से देखें x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2, ये आ जाएगी 2। यहाँ से x की वैल्यू देखें −4 - 2, तो x की वैल्यू −6 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है, अब इसको देखें बोर्ड के पेपर में अक्सर ये रिपीट हुआ है। अच्छा अब इसकी हम वेरिफिकेशन कर लें, वेरिफिकेशन में हमने सबसे पहले x की वैल्यू इफ
एक्स इज इक्वल टू हो, अगर हमारे पास एक्स दो हो तो हम उसी तरह जो इक्वेशन थी सॉल्यूशन जो अपना सॉरी इक्वेशन थी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की वही लिखेंगे, क्योंकि चेक उसी में होता है, वेरिफिकेशन भी उसी में होती है। तो 5 × x + 2 अब कीमत लिखेंगे, एक्स की जगह दो, दो माइनस तीन, पाँच है माइनस दो, जमा दो लिख दें, देखें दो दो चार हो गए माइनस तीन। अब ये आप इसको देखें, 4 − 3 ये 1 आ गया, इसको चेक कर दो, ये 4 आ गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 5 में से 4 लेस कर दो 1, ये देखिए ये हमारे पास ओके आ रहा है। अब इसको चेक कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू इफ़ एक्स इज इक्वल टू -6, ठीक है जी। हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू में इक्वेशन थी वो लिखते x + 2 − 3 y − x + 2, ठीक है जी। अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, माइनस का 6 रिप्लेस करना है, देखिए −6 + 2 − 3 y − −6 + 2, ये हमारे पास −4 ये बचता है यहाँ पे, देखें तो यहाँ पे हमारे पास −4 बचता है, तो ये 4 − 3 तो ये देखें माइनस का तो प्लस में ये भी, तो यहाँ भी 1 आ गया हमारे पास, यहाँ भी 1 आ गया। तो हमारे पास साबित हो गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट कौन सा है, यही है दोनों 2 and −6, ये हमारा आंसर आ गया। सॉल्यूशन 1/2, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 9 है, ये 21 यहाँ से हमने ख़त्म करना है, तो ये माइनस का 21 अपर साइड पर लगेगा, चाहिए 1/2 x + 3 = जब 21 में से हम 9 को मनफी करेंगे तो हमारे पास नफी का 12 आ जाएगा। अब भी हमारे पास 2 है, 1/2 है, यानी कि 1/2, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों जानब हमने क्या करना है, ये डिवाइड हो रहा था, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। देखिए यहाँ से ये कट गया x + 3, ये −24। जब ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू मनफी में आ जाए तो आप इसका लिख सकते हो कि सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी, ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका हम सॉल्यूशन सेट क्या लिख दें, सॉल्यूशन सेट आप इस तरह एम्प्टी सेट लिख दिया करें, ठीक है जी। अगर नहीं आपने कर आग तो मैं प्रूव करके दे देता हूँ, यानी कि इसको आगे हल करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, x + 3 = ± 24 आ गया, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो यहाँ पे देखें x + 3 = 24 है और x + 3 = −24, तो 24 − 3 ये हमारे पास 21 आ गया, यहाँ पे −24 − 3 ये हमारे पास −27। अब इनको इनकी वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास सॉल्यूशन सेट आता भी है, या हमने ये वैसे एम्प्टी सेट किया हुआ है, ये प्रूफ आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी, आप यहाँ से देखें जी प्रूफ आप कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या, इफ़ x = 21 हो तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 x + 3 + 21 = 9 है, तो 1/2 x की जगह क्या लिखेंगे, 21 + 3 = 21 9, 1/2 ये हमारे पास 24 आ गया, ये 21 9, ये कट गया, ये आ गया हमारे पास 12 21 और 9, ये हमारे पास 12 ही आएगा, हाँ जी, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 33 = 9। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि 33 का भी 9 के बराबर आता है, हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। अच्छा अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, x = −27, हम लिख सकते हैं इफ़ x = −27, इसके लिए हम चेक कर देते हैं इसका सॉल्यूशन सेट को, तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे जो हमें इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू की दी गई है, तो 1/2 लिखें, x की जगह हमें 27, तो 21 = 9, 1/2 देखिए हमारे पास 24 बच जाएगा, तो चेक करें ये कट गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का
12 आ जाएगा। हाँ जी, अब ये हमारे पास माइनस का 12 और 9। अब जब आप इसको मनफी करेंगे, हमारे पास प्लस का 21 और ये माइनस का क्या आ गया है जी 12, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बाकी बचता है जी 21, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 33, ये भी नॉट पॉसिबल है। तो अब हमारे पास साबित हो गया कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या आता है, हमेशा वो क्या आता है एम्प्टी सेट। हम लिखेंगे 3 जमा 2x, यहाँ पे प्लस माइनस लगा दें 6x-7। अब देखिए हमारे पास उसी तरह दो ही सूरतें आएंगी, 3+2x=+6x-7 आ गया, 3+2x=-6x-7 आ गया। तो 3+2x प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हमने किसकी कीमत फाइंड करनी है, x की, तो हम लिखेंगे 2x, ये 6x इधर आके माइनस का हो जाएगा, -7 -3, तो हमारे पास माइनस का 4x है और ये हमारे पास माइनस का, ये हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है जी। माइनस से माइनस कट जाता है तो x हमारे पास क्या आएगा 10/4, ये हमारे पास आएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, पहले हम क्या करेंगे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, -6x और +7 हो जाएगा। तो हमारे पास 2x है, +7x हो जाएगा, ये 7 है तो यहाँ से 3 को ख़त्म कर तो -3, हमारे पास 8x=, ये हमारे पास 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/8, तो 4 2s are 8, तो ये हमारे पास 1/2 हासिल होता है। ये x की वैल्यू हमारे पास दोनों कीमतें आ गई, लेकिन हमने इसको क्या करना है, चेक दैट करना है जी, चेक करें कि ये सोल्यूशन सेट है या नहीं। हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू वही लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू में इक्वेशन जो हमें है ये है 6x-7। अब यहाँ पे लिख दें इफ x=, हमारे पास कहता 5/2, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ, 3+2 × 5/2, और इधर भी लिखेंगे 6 × 5/2 -7। अब देखेंगे हमारे पास 3 है, प्लस 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास यूँ आ जाएगा ये 15 बन गया, 3 को 5 से 15 -7, ठीक है जी। 5 और 3 हमारे पास कितना 8, और ये हमारे पास 15 में 7 गए, ये भी 8, यानी कि 8 = 8 जो हमारे पास ठीक आ रहा है, ठीक है जी, ये डिमांड के मुताबिक आ रहा है। अब इसको देखें जी, फिर हमने किसको इफ x=1/2, अगर ये फिर हमारे पास क्या आंसर आता है कि बराबर आते हैं कि नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें जी, 3+2x=, कौन सी एब्सोल्यूट वैल्यू है दूसरी जानब 6+6x-7, तो लिखें आप 3 जमा 2 × x की जगह क्या लिखें 1/2। अच्छा जी, फिर 6 1/2 -7, ठीक है जी, ये 3 2 से 2 कट, 1 बच गया जी यहाँ पे, ये आप देखें 3 -7 आ गया, ये 4 आ गया, इसमें माइनस का 4 आ गया, +4 भी और ये -4, जो हमारे पास डिमांड के मुताबिक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट हमारे पास यही हासिल हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारी इक्वेशन को दुरुस्त साबित कर रहे हैं, 5/2 and 1/2 हमारे पास सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन हम लिखेंगे 3 -5x/4, देखें 2/3, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो प्लस का हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें हमारे पास 3 LCM आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2+1, यानी कि
थ्री माइनस फाइव एक्स बाय फोर, ये हमारे पास टू प्लस वन थ्री, तो ये कट के हमारे पास वन आता है। ठीक है, तो अब हमने इसकी जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी हमारे पास दो मुमकिन सूरतें आ जाती हैं, कौन कौन सी ये देखें, ये यूँ आएगा प्लस माइनस वन। इसकी वैल्यू मालूम करते हैं जी, 3 माइनस 5 x/4, ये एक बार प्लस का और ये एक बार माइनस वन के इक्वल आएगा। अब हमारे पास 4 है, आप इसको क्रॉस मल्टीपल करें तो आ जाएगा 3 माइनस 5 x/4, तो -5x/4 -3 हो जाएगा, तो -5x/1, तो x बराबर आ जाएगा 1, यानी कि माइनस का 1/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर वही क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 माइनस 5 x, ये माइनस का 4, तो -5x -4 -3। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा -5x -7, तो x हमारे पास आ जाएगा 7/5। ठीक है, अब हमने इसकी क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करके देखते हैं जी, यहाँ पे लिख दें वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन किसके लिए, हमारे पास x, इफ x इज इक्वल टू -1/5 हो, तो हम यहाँ पे वही एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशन लिखेंगे 2/3। यहाँ पे लिखें 3 माइनस 5 x की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस का 1/5 ओवर 4, ये आ गया -1/3 2/3। देखिए 3 माइनस, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -1/3 2/3, 3 प्लस 1 4/4 आ गया इक्वल टू 2/3, ये कट गया वैसे 1 आ जाएगा। अब इस साइड का एलसीएम लें 3 का, 3 माइनस 1 ये 2/3 वैसे आएगा, ये 2/3 ही आएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या है, हल सेट है, ये हमारे पास पॉसिबल तो नहीं गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इफ एक्स इज इक्वल टू 7/5 के लिए चेक करते हैं, 7/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी इक्वेशन जो है, इक्वेशन लिखें यहाँ पे इज इक्वल टू 2/3। अब 3 माइनस 5 x की वैल्यू 7/5 लिखें ओवर 4, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी ये, हाँ जी 3, ये 5 से 5 कट गया, -7/4 बच गया हमारे पास, तो 2/3, ये हमारे पास -4/4 -1/3 2/3, ये देखिए कट गया -1, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से क्या आ जाएगा, -1 -1/3 2/3, चलिए कर लेते हैं एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, तो 2/3। देखिए एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3, यानी कि दोनों, ये दोनों वैल्यूज ने उसको बराबर साबित कर दिया है, लिहाजा हम लिख सकते हैं हमारे पास सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कौन से हमारे पास सॉल्यूशन सेट, ये माइनस का 1/5 भी है और ये 7/5 भी हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास होगा जी x+5/2 - x, हमारे पास आएगा +-6, यानी कि हमारे पास दो ही सूरतें हैं। फिर उसी तरह x+5/2 - x = +6, x+5/2 - x इज इक्वल टू -6। क्रॉस मल्टीपल से देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x+5 इज इक्वल टू ये 6 × 2 = 12 -6x, तो x+6x हो जाएगा 12 - 5, तो ये हमारे पास 7x, ये हमारे पास 7 बच जाएगा, तो x = 7/7 = 1, यानी कि x हमारे पास क्या आ गया 1 के। यहाँ पे चेक करें तो x+5 इज इक्वल, जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 6x, तो x - 6x माइनस का 12 माइनस का 5, तो ये माइनस का 5x, ये माइनस का 16 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस क्रॉस हो गया 16 बाय
फाइव हमारे पास ये एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसके लिए हम सॉल्यूशन सेट चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एक्स इज इक्वल टू वन, अगर हमारे पास एक्स वन हो तो हमारे पास क्या चेक करते हैं, एक्स प्लस वन सॉरी एक्स प्लस फाइव ओवर टू माइनस एक्स इज इक्वल टू सिक्स, चेक करके देखते हैं एक्स की वैल्यू वन रिप्लेस करें, ये वन रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आ गया फोर माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स आ गया, ठीक है, सॉरी सिक्स हो गया, वन प्लस फाइव सिक्स ओवर टू, यहाँ से देखें वन प्लस फाइव सिक्स, ये एक हो गया तो सिक्स ये हमारे पास यूँ आ गया, ठीक है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन बाय फाइव के लिए चेक करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है एक्स प्लस फाइव टू माइनस एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स की वैल्यू क्या लिखें जी, सेवनटीन बाय फाइव लिख दें प्लस फाइव बाय, ठीक है, ये चेक कर लें, ये दोनों पे होगा, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, ख्याल करना है, टू माइनस एक्स की जगह सेवनटीन बाय फाइव इज इक्वल टू सिक्स, तो ये हमारे पास जो है ना मॉड की अलामत दोनों पे होंगी, ठीक है, ये हमारे पास बटा, तो अब इन दो का हमने फाइव एलसीएम ले लेना है, तो सेवनटीन प्लस ट्वेंटी फाइव आ गया, नीचे क्या आ गया एलसीएम फाइव आ जाएगा, टेन माइनस सेवनटीन आ जाएगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू सिक्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास फोर्टी टू ओवर फाइव और यहाँ पे माइनस का सेवन बाय फाइव आ गया बराबर सिक्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अमल देखें, फोर्टी टू बाय फाइव मल्टीप्लाई कर दें माइनस का फाइव बाय सेवन से, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस का सिक्स आ जाएगा, तो माइनस का सिक्स, उसी तरह हमारे पास सिक्स बराबर सिक्स ही आएगा, तो इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या हुआ जी, ये हमारे पास वन भी आ गया और सेवनटीन बाय फाइव भी सॉल्यूशन सेट हुआ।